कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं लविश अग्रवाल लेके आ चुका हूँ एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन। तो ये ट्रेन रहेगी 229A2 श्री गंगानगर हनुमानगढ़ कोटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। आपको बता दें कि श्री गंगानगर से कोटा तक संडे मंडे फ्राइडे और सैटरडे को चलती है और झालावाड़ तक जाती है ट्यूजडे फ्राइडे सैटरडे को। इसके अंदर ट्रैवल टाइम की 16 घंटे 20 मिनट के अंदर अपनी दूरी तय करती है और होल्ट की बात करें 24 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और डिस्टेंस 917 किलोमीटर और एवरेज स्पीड इसकी 56 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। लगने वाले कोच की बात करें तो इसके अंदर 4 जर्नल के हैं, स्लीपर के 8 कोच है और थर्ड एसी के 5 है और एक थर्ड इकोनॉमी का 1 कोच है, सेकेंड एसी का 1 और फर्स्ट एसी का 1 कोच है। वो करते हैं स्टार्ट। तो हर रोज गंगानगर से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5:45 पर ट्रेन रवाना होती है। फिर ये ट्रेन पहुंचती है सादुलसर 6:07 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 6:09 पर ये चालू रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है हनुमानगढ़ जंक्शन, फिर ये 6:45 पर 25 मिनट का ठहराव रहता है क्योंकि इसका रिवर्सल होता है लोको। फिर ये 7:10 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है पीलीबंगा 7:32 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:34 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है सूरतगढ़ जंक्शन करीब 8:05 के ठहराव के बाद 8:05 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है महाजन 8:53 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 8:55 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है लून करंसर करीब शाम रात को 9:23 पर 2 मिनट ठहराव के बाद ट्रेन पहुंचती है लालगढ़ जंक्शन करीब रात को 10:23 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 10:25 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है बीकानेर जंक्शन 11:10 ठहराव के बाद 11:10 पर यह रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है देशनोक 11:46 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 11:48 रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है नोखा रात को 12:10 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 12:12 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है नागौर 12:40 पर 5 मिनट ठहराव के बाद 12:45 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है डेगाना 2:12 पर 3 मिनट ठहराव के बाद 2:15 ये ट्रेन पहुंचती है मकराना 2:45 पर यहाँ 3 मिनट ठहराव के बाद 2:48 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है नवा सिटी 3:13 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 3:15 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है सांबर लैक 3:48 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 3:50 पर रवाना होती है। ट्रेन पहुंचती है फुलेरा जंक्शन 4:20 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 4:22 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है जयपुर जंक्शन 5:05 पर यहाँ 10 मिनट ठहराव के बाद 5:15 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है दुर्गापुर 5:27 पर 3 मिनट ठहराव के बाद 5:30 पर रवाना पहुंचती है बनस्थली निवाई 6:12 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 6:14 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है इसरदा 6:35 पर 2 मिनट ठहराव के बाद 6:37 पर रवाना होती है। फिर ट्रेन पहुंचती है चौथ का बरवाड़ा 7:02 ठहराव के बाद 7:02 पर रवाना पहुंचती है सवाई माधेपुर जंक्शन 8:05 पर यहाँ 15 मिनट का ठहराव रहता है। और आपको बताते हैं श्री गंगानगर सवाई माधेपुर तक भगत की कोठी का WDP-4B भगत की कोठी का WDP-4D और भगत की कोठी का WDP-4D लेके आता है और सवाई माधेपुर से कोटा तक इसका टुकल का बाद शहर का WAP-7 लेके जाता है। 8:20 पर ये सवाई माधेपुर से रवाना होती है। फिर ये ट्रेन पहुंचती है इंद्रगंज सुमेरगंज मंडी 8:43 और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:45 पर रवाना होती है। फिर ये पहुंचती है लाखेरी 8:53 और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:55 पर रवाना होती है। फिर ये ट्रेन पहुंचती है अपने लास्ट स्टॉपेज कोटा जंक्शन 10:05 पर। तक हमारी ट्रेन 917 किलोमीटर की यात्रा पूरी करती है 16 घंटे 20 मिनट पे। और किराए की बात करें तो इसे श्री गंगानगर से कोटा तक का जर्नल का किराया 275 है, स्लीपर का 485 रुपये, थर्ड एसी के 1280, सेकंड एसी के 1810 और फर्स्ट एसी के 3045 रुपये। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।